और जी समझ लीजिए, गोवा में बाइक चलानी ऐसी है, बस ये आपको नज़ारे मिलेंगे। और मैं वार्निंग इशू करना चाहूँगा सब दोस्तों को जो गोवा आना चाहते हैं और गोवा में टू व्हीलर चलाना चाहते हैं। कुत्तों का बहुत कहर है, मतलब कुछ ही घंटों में मैंने देखा मेरी पहचान के 2-3 लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। तो गोल 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 पत्थर है, उस पर इंसान बिल्कुल रोल करके मैं भी स्लिप होते होते बचा। और जो नीचे इसके बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे, बहुत खूबसूरत सा सनसेट होने वाला है। ये जगह वो है जहाँ से आपको नीचे पूरा गोवा बहुत खूबसूरत दिख जाएगा। इस जगह पे रुकने का मन कर रहा है, निकलने का मन नहीं कर रहा। ओए होए होए, इस बागा बीच और बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आते हैं। इट इज़ वेरी पॉपुलर। व्हेन यू कम टू गोवा देन यू विल नो हाउ गोवा इज। ऑलनट कपकेक है और ये रम बॉल है, तो देखते हैं दुनिया में कितना रम है, मेरा रम कितना कम है ज़्यादा। और जी गोवा में आपको बहुत आराम से बाइक मिल जाएगी 400-500 के आसपास पर डे के लिए। और ये जो डब्ल्यू मैरिट है गोवा में वैगाटोर में, और वहाँ से आगे बढ़ेंगे कई सारी मार्केट्स आपको सड़क पे मिल जाया करेंगी। देखिए गोवा की जो हिप्पी स्टाइल कह सकते हो या जो भी स्टाइल कह सकते हो, ये सब फंकी बीच वेयर टाइप का मार्केट है और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको गोवा में अलग अलग जगहों पर। देखो आंटी कितना पूरा अलग से कपड़े पहन के बैठी हुई हैं। तो ये देखो ये सब बैग्स वैग्स अलग अलग चीज़ें। तो जहाँ मैं रुका भी हूँ वहाँ भी गर्ल्स बहुत अलग से स्टाइलिश बैग्स लेके जूट कैन ऐसे घूमती हैं। तो इस तरह के मार्केट्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे। और ये देखो ये वाली आपको गाड़ियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी गोवा में। तो अब मैं जा रहा हूँ इस टाइम बागा बीच की तरफ। तो आइए बागा बीच की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है बागा बीच। जैसे ये लिखा है रेंट अ बाइक, तो इस तरह से और भी कई सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो बाइक रेंट कराएंगे। एंड किसी भी जगह पे आपको आराम से बाइक रेंट करने के लिए जगह मिल जाएगी। तो चलो जी बागा बीच की तरफ बढ़ते हैं आगे। और भी गोवा की सड़कों में चलते चलते मैंने दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व की हैं। यहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं वो यामाहा फैसिनो बहुत चलती हैं, और जिस गाड़ी पर मैं भी हूँ वो भी यामाहा फैसिनो है। और दूसरी गाड़ी ये है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर मस्ती से टू व्हीलर चलाते हुए मिल जाएंगे। और बहुत कूल सा माहौल है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कुछ नहीं तो खड़ा कि नहीं हेलो आए सब करते रहते हैं। और मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि भाई फॉरेन में उनके रिलेटिव गए थे तो वो ताजुब कर गए, सब एक दूसरे को ऐसे मुस्कुरा कर निकलते हैं। तो यहाँ भी लगभग वैसा ही माहौल है, बिल्कुल लगेगा नहीं कि आप मतलब इंडिया में ही हैं, लगेगा लेकिन फिर भी लगेगा कि आप इंडिया में नहीं हैं। तो बहुत यूनिक सी बात है, आप आएँगे तभी आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है। तो ओनली व्हेन यू कम टू गोवा देन यू विल नो हाउ गोवा इज़। और मैं भी एक्सपीरियंस ही कर रहा हूँ, पहली बार ही आया हूँ गोवा, तो अलग सा एक्सपीरियंस है, बहुत डिफरेंट लग रहा है। तो फिर से देखो आगे से फिर से यामाहा फैसिनो आ रही है। तो बहुत डर कर रहा हूँ वागातोर बीच, जिसको मैं स्टार्टिंग में एरिया को वेगेटर बोल रहा था, तो आके आपको पता चलेगा क्या चीज़ कैसे प्रोनाउंस होती है। और चलो जी वागातोर बीच चला जाए। और यहाँ मैंने सुना है काफ़ी कम, मतलब थोड़ा सा चिल्ड आउट है, ज़्यादा बहुत शोर शराबा और बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे शाम को भी, लेकिन मस्त एनवायरनमेंट ये देखो, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उधर ऊपर फोर्ट से भी बहुत शानदार नज़ारा दिखता है नीचे का वागातोर बीच का। तो बीच में देखिए एक मंदिर भी है। एंड साइड में सब फैमिली वाले या जो भी लोग हों, अपने पता नहीं इसको क्या कहते हैं, टेंट वेंट लगा के बेंचेस जो भी उसमें बैठे हुए हैं। एंड एक बार थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा फील लेते हैं इस बीच का। एक ग्राउंड में आपको दिखा देता हूँ पीछे, वही ब्यूटीफुल जो पहाड़ियाँ मुझे पसंद है बहुत। यहाँ पर गोवा की जो ग्रीन माउंटेन्स मुझे पसंद है वो हैं, और बीच में बड़े बड़े अलग से रॉक्स हैं, बीच समंदर में रॉक्स हैं, बहुत यूनिक चीज़ है ये, मुंबई में नहीं देखा ऐसा अभी तो। और ये जो आपको पहाड़ी सी दिख रही है इसके पीछे भी बहुत बढ़िया कर्व में पूरा समंदर है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल इस टाइम नज़ारा भी है। एक ग्राउंड मार के मैं आपको दिखा देता हूँ राउंड शॉट में कितना मस्त लग रहा है ये बीच। तो ये है वागातोर बीच। और यार सामने जो फोर्ट है वहाँ भी जाना है, और वहाँ से पूरे शहर का या इतने एरिया का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। उसका नाम मुझे नहीं याद रहता, चिपलून क्या फोर्ट है, मैं आपको कंफर्म करके बताऊँगा नीचे, नहीं तो करेक्शन में लिख दूँगा।
चिपरू, अरे यार याद ही नहीं आ रहा, चलो पास में देखते हैं। वागा तोर बीच से बाहर की तरफ जा रहा था, दूसरे बीच की तरफ, तो आप जानते ही हो मीठे के शौकीन हैं, तो मीठे की एक शॉप पर आए हैं, थोड़ा मीठा इन्जॉय करें। ये कोई कॉफ़ी वॉलनट कपकेक है और ये रम बॉल है, तो देखते हैं दुनिया में कितना रम है, मेरा रम कितना कम है, ज़्यादा है, तो भाई टेस्ट करते हैं और स्वाद का मज़ा लेते चलिए, क्योंकि ज़िंदगी पता नहीं कल हो ना हो, तो आज में जी लो, आज में जी लो, कल की है किसको पड़ी। ओके भाई, खाते हैं, आप इन्जॉय करो इसको देख के। कोई जो खाते पीते नहीं है वो ध्यान रखें। मैंने ये खाया रम बॉल, मुझे लगता था रम बॉल मतलब नाम ही होता है, मैंने खाया, मुझे गर्दन में गर्म गर्म लगा पड़ा, तो मैंने पूछा, तो भाई मेरी तरह का कोई खाता पीता नहीं है, मामला उनका सेट नहीं रहता, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। बड़ा झलना गया हूँ मैं तो ये खा के, बड़ा तेज़ हिट किया मुझे। और भाई साहब इसको छोड़ो, तो इसका जो ऑसम टेस्ट है ना, इसको उन्होंने बात के लिए बचा लिया, क्या ज़बरदस्त। एक चम्मच लिया तो मैंने बात के लिए बता लिया, उतने में झटके वाला कांड हो गया। चलो कोई बात नहीं, इन्जॉय करते हैं। अभी इसमें मुझे एक चीज़ ज़रूर लगी, नीचे वाला जो है वो तो टेस्टी है, अच्छा है, लेकिन ऊपर वाला बहुत अति मीठा है, अति मीठा टेस्ट को खा रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस टेस्ट हो जाता है ना, या बहुत कम हो बहुत ज़्यादा हो तो चुभता है, तो वैसे ही चुभ रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा है टेस्टी, नीचे वाला तो बहुत टेस्टी है, तो ओवरऑल मतलब वो खा रहा है बस टेस्ट को, ये उलझन सी हो रही है। अगर बताना रह गया तो पेबल्स बेकरी शॉप नाम की दुकान है, आके आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी है, मैदे वाली चीज़ ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी है, आप भी आके ट्राई कर सकते हैं। और जी समझ लीजिए गोवा में बाइक चलानी ऐसी ही है, बस ये आपको नज़ारे मिलेंगे, ऑलमोस्ट बस थोड़ी सी घनी और आबादी मिल जाएगी, फिर ऐसे रास्ते मिल जाएंगे, तो जैसे गांव में हम लोग कहीं जाते हैं वैसा अगर माहौल शांति का मिलता, तो यहाँ शहर के अंदर ही वैसा माहौल मिल रहा है। और बहुत मस्त, देखो मैंने कहा था जैसे फॉरेनर्स निकलते रहते हैं बाइक वाइक चलाते चलाते, और बहुत सारे आपको फॉरेनर्स दिखेंगे, बहुत अच्छे से आप भी रहो और वो भी रहते हैं, तो बाइक वाला बड़ा मज़ा आता है। एक फैसिनो वाला, देखो फिर फैसिनो जा रही है, फैसिनो का नाम लिया, और उसके अलावा बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पर टू व्हीलर घूमते रहते, और ये अंकल भी जा रहे हैं, देखो फॉरेनर ही है, तो मस्त बात है भाई, बड़ा मज़ा आता है देख के, उनको ऐसा देखते नहीं है यूजली, बहुत फैसिनेट हो जाते हैं, बड़ा अलग सा एक वो चीज़ लगती है ऑब्जर्व करने में। एक पॉन्ड है और अब मैं जा रहा हूँ बागा बीच की तरफ, बागा दूर गया था और टाइम का मैं तो देखता हूँ कितना एक्सप्लोर कर लेता हूँ, बीच बीच तो कम से कम देख लूँ, तो एक दो दिन की सैर गोवा की सैर नहीं है, टच एंड गो के बराबर है, तो ज़्यादा दिन लेके आना चाहिए, तो बस चलते हैं। मैं वेट कर रहा था आपको कोई दिखाने का टू व्हीलर चलाते हुए, एक अंकल जी निकल के, तो क्लियर नहीं था, चलो देखते हैं, थोड़ी देर ऑन वीडियो ऑन रखता, ओ आ गए, देखो आ गए, इन्हीं को दिखाना था, देखा, तो फॉरनर यहाँ पर बहुत बिंदास टू व्हीलर चलाते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के यार, और ये देखो क्या ये हसीमा दिया, ओ क्या मतलब, इतनी धूप है इस टाइम और फिर भी जो ठंडक पड़ रही है ना, ठंडी ठंडी हवा पेड़ों की वजह से, ऑसम ऑसम कंट्री। तो देखिए जी ये है नज़ारे गोवा के, ये नज़ारे हैं, और ऐसे तेरे चेहरे से इस जगह पे रुकने का मन कर रहा है, निकलने का मन नहीं कर रहा, ओए होए होए, इसी जगह बस बंदा खड़ा रहे, घंटों बिता दे, शायर हो तो और भी ज़्यादा। यूं तो अकेला, तो नाउ आई हैव रीच्ड द सेकंड बीच, और इसका नाम है बागा बीच, और बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आते हैं, इट इज़ वेरी पॉपुलर, और प्रॉबली भीड़ वाले मेन शहर एरिया में भी मुझे लग रहा है होगा, मैंने बहुत ज़्यादा अभी एरियाज़ की रिसर्च तो नहीं की है, लेकिन देख के लग रहा है जो आसपास ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट और रेसिडेंस था, बिल्डिंग्स के हिसाब से अच्छा घना एरिया है ये, कंपेयर टू जहाँ अभी पहले बागा तौर बीच आपको दिखाया। सो दिस इज़ द वे विच इज़ गोइंग टू लीड टू द बागा बीच, सो चलिए जी लेट्स टेक यू टू बागा बीच, और मेरे साथ साथ आप भी देखो, और बहुत ऊँची ऊँची अच्छी पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ देखी मैंने गोवा में बीच पर अभी तक जितने मैं गया हूँ, और कि बहुत मस्त मस्त ग्रीनरी वाले माउंटेन हिल्स यहाँ पर बीचेस के आसपास हैं, एंड ऐसी तो आते ही अपेरेंट हो गई, जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा घना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, लॉट विजिटेड बीच, और सैंड बड़ी बारीक बारीक है, जूते सीधे धस रहे हैं अंदर, इसीलिए उन्होंने देखो ये कारपेट लगाया है, और ये क्या बोलते हैं इसको, कैनोपी, और ये बेंचेस लगे हुए हैं, जो हमेशा से गोवा के बारे में सुना था देखा था, ये फील आ रहा है प्रॉपर गोवा वाला, यहाँ भीड़ भी है, लोग भी हैं, और पीछे हिल्स बहुत मस्त है, माउंटेन्स ग्रीन लश बिल्कुल, और उधर पीछे एक हट भी बनी हुई है बहुत क्यूट सी, वो तो और खूबसूरत लग रही है, हाय हाय हाय। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा नज़ारा देखते हैं इस बीच का। सो जी अब मैं आगे आ गया हूँ, और ये देखो
दूर वहाँ पर बागा बीच भी लिखा हुआ है और बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं, और वो हटाकू अगर दिख रही हो तो बहुत बढ़िया लग रही है। और ये देखो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वाटर वाली बोटिंग, स्ट्रीमर, और ऊपर वो कौन सा पैराग्लाइडिंग है शायद, पता नहीं ध्यान नहीं नाम। तो पूरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बीच वाली, और बहुत भीड़ भाड़ वाला बीच है ये, पता चल रहा है इस टाइम दोपहर में जब इतनी भीड़ है, तो शाम होते होते और ज़बरदस्त हो जाएगी भीड़। तो पूरी चारों तरफ लोग ये छतरी और अपने बेंचेस लगा के, कोई खोपड़ी में चंपी करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। तो ये है बागा बीच, कैन यू कम टू गोवा, यहाँ भी आइएगा ज़रूर से। और बागा तो और बीच के कंपैरिजन में मैं देख रहा हूँ, जो पता नहीं टाइमिंग की बात है, वहाँ मैं अलग टाइम पे गया, अलग टाइम पे गया, लेकिन यहाँ पर जो समंदर का शोर है लहरों का, वो बहुत तेज़ है, बहुत ज़ोर का है, अच्छी तेज़ हिट कर रही है हवा, और लहरें भी बहुत उछाल वाली हैं। तो देखो लहरों का एक सैम्पल देता हूँ आपको, अगर दिख रहा हो तो, बहुत तेज़ी से आ रही हैं, बहुत तेज़ी से आ रही हैं। चलो जी चला जाए बाहर, देखते हैं कुछ और एक्सप्लोर हो पाए। तो जी अब हो चुकी है शाम, और बागा बीच से लौटने का और वैसे भी गोवा से लौटने का समय नज़दीक आ रहा है। और एक मैं वार्निंग इशू करना चाहूँगा सब दोस्तों को जो गोवा आना चाहते हैं और गोवा में टू व्हीलर चलाना चाहते हैं और या उसके पीछे बैठना चाहते हैं, भाई कुत्तों का बहुत कहर है, बहुत ज़बरदस्त। और मेरे सामने ही मतलब कुछ ही घंटों में मैंने देखा मेरी पहचान के 2-3 लोगों को कुत्ते काट चुके हैं, तो और इंजेक्शन लगवा चुके हैं, कुछ एक उनमें से फॉरेनर्स भी हैं और कुछ एक इंडियंस भी हैं। तो भाई ध्यान रखो, कुत्तों का बड़ा कहर है रात में खास तौर पे, अभी मेरे पीछे भी कुत्ते पड़ गए थे थोड़ी देर पहले ही, तो भाई बहुत ध्यान से चलाओ क्योंकि कुत्ते बहुत खतरनाक है यहाँ पर। पानी वाला देना गुरु भाई, यार बीच वाले 50 का देते, तुम भी 50 का देते हो? गोवा के अंदर फिक्स रेट है, ले गोवा के अंदर तो ऊपर जाए। पानी वाला देना, पानी वाला नारियल पिया जा रहा है गोवा में, जहाँ भी ले लो 50 रुपये के आसपास ही मिलता है। तो मैंने बीच पे नहीं पिया, दूर आके पी रहा हूँ, मतलब थोड़ा कम मिलेगा लेकिन ठीक है, वही रेट है। और जो सामने आपको दिख रहा है ये पहाड़ी पर, ये है चपोला फोर्ट, और जो नीचे इसके बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे बहुत खूबसूरत सा सनसेट होने वाला है, और जो बहुत लवली सा ग्रीन ग्रीन हिल्स और माउंटेन से भरा हुआ बीच है, ये बीच है, इसका नाम है वैगाटोर बीच। और वैगाटोर बीच बहुत पॉपुलर है और ये नॉर्थ गोवा एरिया में पड़ता है। तो जो एक्सपेडिशन है उधर फोर्ट से इधर आने का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। तो यहाँ अगर आप आएंगे तो ध्यान से आइएगा, बहुत लंबा रास्ता है और जो गोल 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 पत्थर हैं उस पर इंसान बिल्कुल रोल करके, मैं भी स्लिप होते होते बचा। तो गोवा अगर आप आएंगे तो इसको अपने लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, इस फोर्ट को और ये वैगाटोर बीच को, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत भीड़ नहीं है इस टाइम भी, तो मतलब आप आराम से आ सकते हैं, अगर आपको सुकून से टहलना पसंद है, सनसेट देख सकते हैं, सनराइज़ देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हो आराम से। और आप देख सकते हैं कितना एक्सपेंसिव, बढ़िया साफ बीच है, और समुद्र में कितना प्यार से घुल रहा है, और बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेच में ये समंदर है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट भी हो रहा है इस टाइम। और नीचे वैगाटोर बीच है, और भाई आई कांट स्टॉप प्रेजिंग द ग्रीनरी ऑफ द माउंटेन्स। और जो रास्ते में, जैसे ट्रेन जर्नी में मैं तारीफ़ कर रहा था कि रास्ते में बहुत ग्रीन ग्रीन माउंटेन्स और ग्रीनरी, क्लिनलीनेस लग रही है, कहना पड़ेगा बहुत ज़बरदस्त, अमेजिंग तरह से मुझे क्लीन लगा गोवा, और ग्रीन तो क्या ज़बरदस्त है भाई, ऑसम, आई एम ऑस्ट्रक। दूर दूर तक भी जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो सब ग्रीन है, बहुत बहुत मतलब इनएक्सप्रेसिबल। और मुझे पता नहीं वीडियो में कितना आपको साफ दिख रहा है, कितने अच्छे से पता चल रहा है, लेकिन सुपर डुपर ऑसम फील है यहाँ पर आके, सुपर ऑसम यार, सुपर ऑसम। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिसाइडेड टू कम टू गोवा, बिल्कुल रैंडम प्लान, वाह। और सनसेट होने वाला, सनसेट का ही वेट कर रहा हूँ मैं। नाउ वेयर आई एम स्टैंडिंग इज कॉल्ड चपोरा फोर्ट, एंड ये जगह वो है जहाँ से आपको नीचे पूरा गोवा बहुत खूबसूरत दिख जाएगा। एंड दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू वागातोर बीच, वेगेटर या वागातोर बीच, और ये फोर्ट है
एंड घूमने बैठने फिरने के एरियाज हैं यहाँ पर, और शाम हो चुकी है तो सैलानी जा रहे हैं, मैंने भी बस निकलना है। और आपको दिखा रहा हूँ ये फोर्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल, पूरे शहर का जितना यहाँ से दिखता है पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी आपको गोवा में इस एरिया में दिखेगी, और मोस्टली हर एरिया में ग्रीनरी तो बरकरार है गोवा में। तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हैं, और ग्रीनरी से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, स्पेशली जो पहाड़ों के ऊपर माउंटेन्स के ऊपर ग्रीनरी है उससे। तो ये है जी चपोड़ा फोर्ट, और मैं भी नाम गलत बोल रहा हूँ, नीचे करेक्शन डाल दूंगा, सॉरी उसके लिए। सो ये है जी फोर्ट, और आइए चलते हैं आगे एक्सप्लोर करते हैं कुछ। सो जी ये रास्ता चढ़ के ऊपर आते हैं चपोड़ा फोर्ट में, और अंदर फोर्ट के रिमेन्स हैं और पूरा शहर आपको दिखेगा नीचे, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए और वापस नीचे जाएंगे। जी ये था जी मेरा बहुत ही छोटा सा सफ़र और ट्रिप गोवा शहर का, जिसकी खूबसूरती से पूरी तरह मैं मेसमराइज हो चुका हूँ। और आई एम श्योर आप देख सकते हैं कि गोवा में कहीं भी मैं खड़ा हो रहा हूँ वहाँ पर ब्यूटीफुल ही ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। तो बस मैं एक बीच से वापस जा रहा था, और वहाँ बीच में सड़क है, और सड़क के किनारे ये बहुत ही खूबसूरत सड़क तो बहुत खूबसूरत है ही, ये ट्रीज़ बहुत खूबसूरत हैं, और ये नज़ारा जो फीलिंग है ये बिल्कुल बयान करने से परे है। और चाहे थोड़ी सी गंदा भी है जो भी है वाटर बॉडी, लेकिन एक जो मस्त गोवा का फील है वो दे रहा है। तो ऐसे ही आई एम श्योर गोवा मैंने जब देख लिया एक बार तो और भी गोवा आता रहूँगा। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, तो जी क्या हाल चाल है, गोवा से हो रही है वापसी, और गोवा से ये समझ लो गोवा में कन्वेंस जो है वापसी वाला और पहुंचने वाला वो थोड़ा सा हैवी ड्यूटी है, क्योंकि जितने की ट्रेन की टिकट हुई है वापसी की थर्ड एसी की मुंबई जाने की गोवा से मडगांव एक्चुअली जो स्टेशन है, उतने ही टैक्सी को मैं देके जा रहा हूँ मडगांव। तो समझ लो गोवा में ट्रैवलिंग थोड़ी सी आपको ऐसी भी पड़ेगी जो जिसको आप कॉस्ट इफेक्टिव नहीं कह सकते हैं, स्पेशली जब आपको ट्रेन पकड़नी हो या फ्लाइट भी पकड़नी हो तो भी, तो इस चीज को कीप इन माइंड। हाँ जी, तो जी ये था मेरा सुहाना सफर, बहुत ही छोटा सा गोवा का, एंड इट वॉज अ वेरी स्मॉल स्टे, टच एंड गो वाला बहुत कम जगह मैं देख पाया है, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू द कंक्लूजन दैट आई हैव डिराइव्ड फ्रॉम दिस स्टे इन गोवा। दिस स्टे इन गोवा हैज मेड मी बिलीव दैट आई एम गोइंग टू कम हेयर अगेन, ये तो पक्का बात है। एंड गोवा हैज डेफिनेटली टेकन माई हार्ट अवे एंड हैज केप्ट माई हार्ट, एंड आई एम गोइंग टू विजिट गोवा अगेन। सो जब भी गोवा आए आप लोग ज़्यादा टाइम लेके आए, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं दैट आई हैव लर्नड एज वेल नॉर्थ साउथ गोवा के बारे में, प्रॉक्सिमिटी जो स्टेशन की हैं, कौन नज़दीक है कौन पास है। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू बिड फेयरवेल टू गोवा, एंड बहुत ही हैवी हार्ट से आज मेरी रात में 1:15 की ट्रेन है, लेकिन 6:30 मुझे निकलना था, 6:30 दिल बैठा हुआ था, एट अ सल्की हार्ट, और 2-4 घंटे डिलेड मैं निकला, एंड क्योंकि जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ से काफ़ी दूर था तो पब्लिक कन्वेंस नहीं मिलती थी, आई वॉज इंटेंडिंग की पब्लिक कन्वेंस से आऊँ, लेकिन अब जिससे मैं ट्रैवल करके आया हूँ वो टैक्सी को मैंने उतने दिए जितने मुझे गोवा से लेके मुंबई की जितनी मैंने थर्ड एसी की टिकट दी उतने ही इक्वली मैंने अपनी टैक्सी को टिकट दिया। लेकिन जो भी हो सफ़र बहुत सुहाना रहा, गोवा का एक्सपीरियंस वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम हेयर अगेन एंड मेक यू ऑल विजिट वंस अगेन। तो ये छोटा सा ब्रीफ सा गोवा का मेरा ट्रिप था, एंड होप टू मीट ऑल ऑफ यू वेरी सून। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आप मेरे साथ और आगे सुहाने सफर पर मेरे साथ चलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लॉट्स ऑफ लव, रतन।